तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो कैसे उत्तर प्रदेश शौचालय के ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, जिसमें कि सरकार की तरफ से आपको 12,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जो कि आपको 3 बार में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दी जाती है, जिसमें कि पहली किस्त 4,000 रुपये की, 4,000 रुपये की 3 बार में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है और आप अपना जो टॉयलेट बाथरूम उससे बनवा सकते हो। आपका सर्वे भी किया जाएगा और आपको जो है अपना टॉयलेट बाथरूम दिखा देना है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको इसमें जो अपना एक फ़ोटो देना है पासपोर्ट साइज जिसमें, और आपको अपनी बैंक पासबुक और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको आगे स्टेप में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है रिलेटिव है इसमें कि आप जो है 12,000 रुपये की धनराशि सरकार की तरफ से पा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, आपको इसमें टाइप कर देना IHHL, तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग एप्लीकेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इस पर जो क्लिक कर देना। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो एप्लीकेंट लॉगिन यूजर आईडी जो पासवर्ड बनाना होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको उसके बनाने के लिए आपको सबसे पहले न्यू एप्लीकेंट क्लिक एयर पे इस पर जो क्लिक कर देना आईडी पासवर्ड बनाने के लिए, जब भी आप इससे जो अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना नेम डालना है, जिसके भी नेम से आप जो है ये रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे उसके एंटर करनी है, उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस फिल करने वाला आपको अपनी जो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश की आपको जो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना, पैन कार्ड वोटर आईडी ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे देना। उसके बाद पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे उसका पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ एक कैप्चा कोड को इसी में आपको यहाँ फिल कर देना और रजिस्टर वाले बटन पे जो आपको क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक लॉगिन आईडी दे दी जाएगी जो कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दी जाएगी। और सेंड करने के बाद इस लॉगिन आईडी को आपको कॉपी कर लेना, यानी कि इस कहीं पे नोट कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको जो लॉगिन आईडी मिल जाती है उसके बाद आपको अपनी पासवर्ड भी बनाना होगा। उस पासवर्ड को बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एप्लीकेट कैट वन टाइम पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। फिर आपको जो एक पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा, उसके लिए आपको अपनी यहाँ पे लॉगिन आईडी फिल करनी है, जो आपने ईमेल आईडी दी थी उस समय यूज वो आपको यहाँ पे डाल देनी है रजिस्ट्रेशन करते समय। ये कैप्चा कोड आपको शो हो रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इसमें फिल कर देना, सेंड वन टाइम पासवर्ड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि देख सकते हो IHHL एप्लीकेशन लॉगिन पासवर्ड ये आपका ये है, और आपको जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था आपको जो यूज़र आईडी भी आपको देखने को मिल जाती है, इसको कॉपी कर लेना। फिर आपको जो है इस पासवर्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाना है। फिर आपको जो लॉगिन आईडी दी हुई है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है और पासवर्ड आपको यहाँ पे जो एंटर कर देना है, ये कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको इसी कैप्चा कोड को इसमें फिल कर देना और लॉगिन वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ जूम करके भी दिखा देता हूँ। लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड आपको वो डालना है जो अभी आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया गया था। जैसे आप उसको डाल दे तो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर, तो फिर आपको जो है यहाँ पे अपना जो करंट पासवर्ड जो डालना होगा, अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा, नया पासवर्ड बनाना होगा। उसके लिए आपको जो करंट पासवर्ड ईमेल आईडी पे सेंड किया गया था वो पासवर्ड डाल देना, उसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड डाल देना जिसमें कि कैपिटल नंबर स्मॉल लेटर और जो है कि उसमें स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए। जैसे कि आपका नेम है अरुण तो आप अरुण डाल सकते हो, ए कैपिटल और आर स्मॉल और यू स्मॉल एन स्मॉल और @123 ये आपका जो है पासवर्ड बन जाएगा। आपको उस पासवर्ड को फिर से डाल देना और ये कैप्चा कोड आपको शो हो रहा है उसके बाद इस पर क्लिक कर देना। आपको अपना पासवर्ड जो है यहाँ से चेंज कर लेना, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाए। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से आना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड को यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो मैं इसको जो अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ये कैप्चा कोड जो शो हो रहा है इसको फिल कर देना और लॉगिन वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने ये फॉर्म जो ओपन हो चुका है
ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो है फॉर्म इसको फिल करना हो, जिसके लिए आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यूएलबी अपना जो है सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका वार्ड नंबर है, वोट डालने जाते हो तो आपको पता होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का यानी कि अपना नेम एंटर कर देना है, जिसका भी आप जो है अप्लाई करो। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है या फिर फीमेल। उसके बाद आपको उसके फादर या फिर हस्बैंड का नेम जो है डाल देना है, यदि फीमेल है तो आपको हस्बैंड का नेम डाल देना है, यदि मैरिज हो चुकी है तो, नहीं तो आपको अदरवाइज फादर का ही नेम रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो एंटर कर देना है, रेजिडेंटल एड्रेस आपको अपना पूरा फिल कर देना है, टॉयलेट आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग, जो पहले से टॉयलेट है वो एग्जिस्ट करता है या फिर लेटरिन तो आपका जैसे कि नहीं करता है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर जो है यहाँ पे डाल देना है, यदि आपके पास आधार नंबर है तो, नहीं है तो आपको नो पे बटन पे क्लिक करना, अपने जो बनवाया था एनरोलमेंट स्लिप जो जनरेट हुई होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, यदि है तो आपको सिर्फ आधार नंबर डाल देना, उससे काम चल जाएगा। उसके बाद डू यू वांट टू अवेलेबल आपको यहाँ पे इस बटन पे यस वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना है, इस पे आपको नो ही रहने देना है। नो रहने देने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक आईएफएससी कोड बैंक डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी, जिसमें कि आपका जो पैसा जो आएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना, अकाउंट नंबर डालने के बाद अकाउंट नंबर को फिर से डाल देना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और आपका जो द फंड्स विल बी ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपना जो पासबुक का फर्स्ट पेज जो प्रिंट होता है, उस जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं, आपका एड्रेस, नेम, बैंक अकाउंट, वो है यहाँ पे उसका स्कैन करके डाल देना। साइज़ क्या होना चाहिए उसका, 100 KB से कम का साइज होना चाहिए, जिसका मैंने वीडियो बनाई हुई है उस पर मैंने बताया हुआ है कि आप साइज़ जो कैसे कम कर सकते हो। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे डाल देना, जिसका साइज आपको 50 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई बटन पे जो क्लिक कर देना, और उसके लिए आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना, आपको एक एक्नॉलेज नंबर जो सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप जो स्टेटस भी उसका यहीं से जो है चेक कर सकते हो। स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करो, IHHL एप्लीकेशन पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा वो यहाँ पे डालना, नेम डालना और सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना, आपका जो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।